तुम चली गई ना मरियम, मुझे फैसला करना ही पड़ेगा। कहाँ थी तुम? वो मैं फ्रिज से पानी की बोतल लेने गई थी। चलो सो जा। सच कह रही हूँ मम्मी, झूठ क्यों बोलूंगी मैं? अच्छा तू ऐसा कर, अभी फिलहाल ना चुप हो जा, मुझे जरा सोचने दे कि हंगामा कैसे होगा। अरे भाई कहाँ हंगामा करने की तैयारियां कर रही हो तुम दोनों फप्पे कुटनिया, कहाँ जाके पथराव करोगी, कहाँ जाके जलाओ घिराओ करोगी, जरा हमें भी तो पता चले। मम्मी देखा फिर से ये सुनगुन ले रही। जिया तेरे तो कानों में ना शीशे को पिघला के डाल देना चाहिए। और तुम दोनों को जो है ना पिघलते शीशे में ही डाल देना चाहिए। खाला, खाला, देखो जरा ये फितनी आ गई हमें तंग करने के लिए। देखो जिया तू बाज नहीं आएगी, क्यों मेरी बहन और भांजी के पीछे पड़ी हुई है? मीना बहन मैं जो ना आपको एक बात बता दूं, आप ना जरा अपनी आंखें खोल लें और देखें कि ये दोनों पप्पे कुटनियां जो है ना आपके घर में कैसा फसाद मचा रही हैं। आप अपनी आंखों से ना बहन की मोहब्बत की पट्टी हटाए तो आपको नजर आएगा साफ साफ कि कुटनियां क्या कारवाइयां करती फिर रही हैं इस घर में। ए जिया खुदा का खौफ कर, क्यों हम बहनों को आपस में लड़वा रही है? आप कसम खुदा की बहुत झूठ बोल रही है। इस झूठी ने ही हमें कहा था कि तुम्हारी आपा जो है ना किचन में सारे खाने पीने की चीजें ना छुपा देती हैं। पूछो पूछो झूठी बता बता। चुप कर जा पटना डाला हुआ झूठा मूठा तूने बगैरत। देख जिया अगर आज के बाद तू मेरी बहन और भांजी के आस पास भी नजर आई ना तो पता है ना मैं क्या करूंगी? पता है पता है। तो निकल यहाँ से, चल निकल। मेरी प्यारी अच्छी खाला, कितनी अच्छी है। हट पीछे, कभी नहा भी लिया कर। अरे नहाई तो थी पिछले जुम्मे, पता नहीं है पानी का कितना। तुम दोनों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपनी हरकतों को सुधार लो, समझ गई? आपा कसम खुदा की इतनी तेज है वो। सुनो मेरी टांग। तो बहुत सीधी बैठ, क्या करेंगे, कोई बात पे यकीन ही नहीं कर रहा। कभी नहा भी लिया कर, हट यहाँ से। तौबा, सही कह रही थी। बीना, बीना, अरे बीना, बीना बेटा इधर क्यों सो रही हो तुम? बीना तुमने कपड़े धोए थे? वो मैं सारी रात इसके साथ जागती रही हूँ, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। एक तो तुम सोती बहुत हो भाई, काम किया करो टाइम पर। सूफिया बेगम क्या हो गया है, बेचारी रात भर की जागी भी है, अब बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है। जाओ बेटा जाके कमरे में सो जाओ। अरे 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 उसको सोने दो सुकून से, कोई तो घर में सुकून से सो जाए। जाओ अपने कमरे में, देख लूंगा मैं। चाहिए है ना यार, सूफिया बेगम आप इसे हद करती हैं। 10 नौकरों का काम इस बच्ची पे डाल दिया तुमने, जल्दी से नौकर का इंतजाम करें। अरे बात सुने, इधर आए इधर आए इधर आए भाई। यार अजीब खातून है, बच्चे मेरे हवाले करके चली गई,
जाना मैंने था काम से। बता तब्बू, क्यों इकट्ठा किया है तूने सबको? बताती हूँ, जरा आमिर और उसकी दुल्हन को भी आने दो। जी अम्मी, बुलाया आपने? आए, मैंने बुलाया था। क्यों, क्यों बुलाया? ये दुल्हन कहाँ है तुम्हारी? वो ऊपर सो रही है। सो रही है? जरा जाओ और जाकर उससे पूछो रात को 2 बजे कहाँ गई थी और किससे मिलने। क्या खाला, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? स्वीटी ने उसे अपनी आंखों से देखा है गेट से बाहर जाते हुए। स्वीटी, अगर ये बात गलत हुई तो सोच ले मैं तेरा क्या हशर करूंगी। कोई नहीं सकता, वो इतनी रात गए कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी? अब वो जल्दी सो गई थी। अरे सोई नहीं थी, नाटक कर रही होगी। जा स्वीटी, जा जरा बुला कर ला। अभी जा। अम्मी, खाला को देखे, ये क्या नया तमाशा लगा रही है। बेटा तहम्मुल से काम लो, अभी आ जाती है बहू, पूछ लेते हैं उससे। बस बहुत हो गया, मैं ये सब ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिचारो। अरे मुझे तो पहले ही शक था, कमरा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर बातें करती रहती है। जी कहिए। पूछो आबा, आ गई। मरियम, स्वीटी कह रही है कि उसने तुम्हें रात को 2 बजे घर से बाहर जाते हुए देखा है। मैं तो सो रही थी, आप आमिर से पूछ ले। अल्लाह तौबा तौबा, मम्मी कितना झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है इसको रात को जाते हुए भी और आते हुए भी। तुम क्या चौकीदारी कर रही थी रात के 2 बजे? जी नहीं, मेरा पेट खराब हो गया था तो मैं चूरन खा के टहल रही थी टेरेस पे, तो मैंने देखा मम्मी की आधी रात को जा रही थी। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं सो रही थी। अब मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। कसम से आपा, स्वीटी सही कह रही है, ये झूठ बोल रही है। बस कर दे तब्बो, क्यों बिला वजह में घर में फसाद फैला रही है? आई मेरी टांग, आई। मैंने क्या समझती है अपने आप को, जब देखो चीख चिखाड़ मचा के चल जाती है। अच्छा अम्मा बैठ जाओ, तुम्हारी टांग भी तो टूटी हुई है। 1 मिनट मैं बैठ जाऊंगी। आए पैर दबा। हो गया, नजर नहीं आता वो? मैं क्या, वो मैं, वो अपनी शक्ल गुम नहीं कर सकती यहां से। अब खड़ी रहना यहां पर, अजाब बन गई हो मेरी जिंदगी का तुम। मुझे बता दे मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। क्या मुझसे पूछ रही हो क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से, पर मुझसे पूछ रही हो क्या बिगाड़ा है? रुको, बात सुनो मेरी। तुम्हारे अंदर इज्जत नफ्स नाम की चीज है भी या नहीं? नहीं 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 होगी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से तुम आई हो वहां सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या काम, और गैरत भी नहीं है तुम में। अगर होती ना तो तुम खुद यहां से चली जाती मुझे छोड़ के। मैं खुद तो नहीं आई थी तो खुद कैसे चली जाऊं? ये ज्यादा ना ढूंढना रचाया करो मेरे आगे, समझ गई? अब दफा हो यहां से, मैंने कहा निकलो इधर से। ढीठ बन के खड़ी हुई है। कहाँ थी तू? वो मैं फ्रिज से पानी की बॉटल लेने गई थी।
मुझे पता है, खाला ठीक कह रही थी, तुम रात को घर से गई थी। मैं कहीं नहीं गई आमिर। झूठ मत बोलो। और कितना झूठ बोलेगी मरियम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपने बच्चे से मिलने गई थी ना, क्योंकि तुमने जो बहाना बनाया वो गलत था। रात को मैंने खुद पानी की बोतल भर के इस कमरे में रखी और तुम पानी पीने के लिए नीचे किचन गई थी। हाँ, वो मुझे ठंडा पानी पीना था, इसलिए मैं नीचे गई थी। और कितना झूठ बोलोगी मरियम? सकती नहीं हो झूठ बोल बोल कर। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं? देखो आमिर, जैसे तुम चाह रहे हो वैसे जिंदगी नहीं गुजरेगी। मैं ऐसे घुट घुट की नहीं जी सकती, अपने रिजवान के बगैर नहीं जी सकती मैं। क्या कहा तुम? रिजवान? हाँ, मैंने उसका नाम रिजवान रखा। और कितना खेलोगी हमारे जज्बात के साथ मरियम? हमें इमोशनल करने के लिए बड़ी ऊंची चाल चली है तुमने। हमारे प्यारे भाई का नाम तुमने उस बच्चे को दिया जिसे हम सब नफरत करते हैं। क्यों किया ऐसा मरियम? क्यों किया? हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए तुम्हें कोई और तरीका नहीं मिला कि हमारे फरिश्ते जैसे भाई का नाम तुमने इस्तेमाल किया हमें तकलीफ देने के लिए? नहीं आमिर, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। बस मरियम, बस। मैं तुम्हारे जितने करीब आने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझे अपने आप से कोसों दूर कर रही हो। हर रोज मैं अपनी गैरत, अपनी नफरत से लड़ रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी मोहब्बत को जिताने की खातिर। मगर तुम मेरी मोहब्बत की बजाय मेरी नफरत का साथ देती हो और मुझे अपने से मज़ीद दूर कर रही हो। बहुत पछताओगी मुझे, बहुत पछताओगी। मम्मी, पहली बार मैंने सच बोला और किसी ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया। इससे तो अच्छा था मैं झूठ बोलती थी, लोग यकीन तो करते थे। चुपकी बैठी रहे, तू नहीं जानती आपा को, मेरी बहन है, मैं जानती हूँ। उसके दिमाग में जब एक बात चिपक जाती है ना तो नहीं निकलती। अब तू देखना कैसे वो चलते फिरते उठते बैठते अपनी बहू का जीना मुहाल करती है। पर इसमें हमारा क्या फायदा? हाय, फायदा हो ना हो स्वीटी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा बस। मम्मी, तुम खाला से इतनी सड़ती क्यों हो? आखिर वो तुम्हारी बहन ही तो है। अरे दफा कर, ऐसी होती है क्या बहनें? लो भला बताओ, मैंने इतने प्यार से कहा था आपा अपने देवर से मेरी शादी करा दो, कहने लगी नहीं मैं तो फंस चुकी हूँ उस खानदान में, तुझे नहीं फंसने दूंगी। आज अगर मेरी शादी करा दी होती ना अपने देवर से तो मैं भी अमरीका में बैठी ऐश कर रही होती। अमरीका में? मम्मी, वहां पर सबसे ना इंग्लिश में बात करनी पड़ती है और तुमको तो अंग्रेजी आती ही नहीं। अरे भाई, जब मैं वहां रहती तो अंग्रेजी भी आ जाती, मगर आपा ने फर्ज नहीं निभाया बहनों ने का, और ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती है। दिल के अरे आंसू में बह गए हम, क्या था, वफा करते ही तन्हा रह गए, वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना
मैं डूब रही हूँ अभी, डूबी तो नहीं हूँ। जमीन पे तो सही से खड़ी नहीं हो सकती, साहिल पे खाक खड़ी होगी। चुकन्ना का मजाक उड़ाती है। ना बेगम, इस तरह तुम्हारा दिमाग और पैर थक जाएंगे चल चल कर। ऐसे ना सोचो, बैठ जाओ। कैसे ना सोचू, बहू रात के अंधेरे में छुप छुप के किसी से मिलती है, इतनी बड़ी बात कैसे ना सोचू। तुम तब्बो और सुईटी की बात में आ गई, बेवकूफ औरतें हैं वो दोनों। तब्बो और सुईटी सच कह रही थी, उस वक्त मैं खामोश रही। मरियम ने जो कहा मैंने सुन लिया, मगर मुझे पता है मरियम झूठ बोल रही है। उस वक्त मैं बोलती तो आमिर तब्बो और स्वीटी पर गुस्सा उतारता, इसलिए मैं खामोश रही। अच्छा, अगर वो गई थी तो अपने बच्चे से मिलने गई, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? बच्चे से मिलना था तो दिन में जाती, रात के अंधेरे में छुप छुप कर कहाँ जाती है वो? कहाँ जाती है वो? एक ही बार तो गई थी। एक ही बार पकड़ी गई ना, न जाने कब से ये खेल हमारे साथ खेल रही है वो। बच्चे के सिवा उसका और कौन है जिसे वो छुप कर मिलेगी? हो सकता है बच्चे का बाप हो,